गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपका चैप्टर है या फिर पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड। ओके, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्शंस के बारे में आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस क्या होते हैं, पर इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ओके, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, इससे स्टार्ट करते हैं। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। ओके, यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया आपके बुक में, यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है हरियाणा में जब इलेक्शन होते थे उस समय। द टाइम्स आफ्टर मिडनाइट एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द फास्ट फाइव आवर्स इन चौक ऑफ द टाउन वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड रीएश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर at any moment. The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hope that he has come. The leader is Mr. Devilal, chief of Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His age starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He has already addressed the 9 election meetings since morning, being constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for his election. यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो हरियाणा के करनाल एक प्लेस है, वहां का लिया गया, जहां पर मिस्टर देवीलाल जो है, जो कि चीफ है हरियाणा संघ समिति के, उनको एक सभा या फिर जैसे इनकी जो रैली निकलती चौक में उसको एड्रेस करना था। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सिंस इलेक्ट्रिसिटी हैज रन आउट सो मैं बुक से पढ़ के आपको पढ़ाऊंगा। ओके, दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो आपको न्यूज कटिंग जो मैंने एक्सट्रैक्ट पढ़ के दिखाया, 1987 में जो वहां पे इलेक्शन हो रहे थे स्टेट असेंबली के, तब का ये एक्सट्रैक्ट है, जो कि मिस्टर देवीलाल सिंह 76-year-old लीडर चीफ थे हरियाणा संघ समिति के, उनको करनाल में एक चौक पर, जो चौक होगा वहां पर टाउन में, वहां पर उनको एक जनसभा एड्रेस करनी थी, बट लेकिन वो 5 घंटों से लेट था। मतलब वहां पे जो क्राउड था, वहां पे जो भीड़ थी, वो पिछले 5 घंटे से वेट कर रही थी। वहां के जितने भी ऑर्गेनाइजर थे बार बार एश्योरेंस दे रहे थे कि कोई भी किसी भी टाइम जो उनके लीडर है वो आ सकते। आगे बढ़ते हैं हम। द स्टेट हैज बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। ओके, इससे पहले से पास्ट में जो इस स्टेट को कौन रूल करता था, कांग्रेस पार्टी 1982 से। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल न्याय यूथ स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी लोक दल। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। अब इसी दौरान चौधरी देवीलाल, उन्होंने वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया एज ए न्याय यूथ, जिसको भी इंग्लिश में स्ट्रगल फॉर जस्टिस कहेंगे, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई लोकदल। बट जब इलेक्शन आए उस दौरान उन्होंने अदर पार्टीज के साथ, जो उधर अदर जो मेजर पार्टीज थे उनके साथ हाथ मिलाया और उन्होंने एक नया अलायंस बनाया, विच इज नोन एज हरियाणा संघर्ष समिति। In the election campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. इसके साथ साथ जब वो election campaign कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि अगर हमारी party election जीतती है तो हम जितने भी किसानों के ऊपर जितना भी लोन है उसका माफ कर देंगे और जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लोन भी माफ कर दिए जाएंगे। ये सबसे पहला काम होगा जैसे हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। द पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। लोकदल अलोन won 60 सीट्स एंड thus had a clear majority in the assembly. The Congress would win only 5 seats. अब जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के दौरान वहां के पीपल जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उससे काफी नाखुश थे और देवीलाल के जो प्रॉमिस था कि हम जो लोन माफ कर देंगे उस प्रॉमिस के ऊपर वो ज्यादा काफी इन्फ्लुएंस थे, जिसकी वजह से उन्होंने 90 में से 76 सीट्स जो देवीलाल की जो पार्टी थी उन्होंने जीती अलॉन्ग विथ लोकदल
एंड वेरियस अलायंसेस, जिसमें से 60 सीट्स अकेले लोकदल पार्टी को मिल गई थी। उनके मीन्स जो मेजोरिटी ऑफ द वोट्स जो चाहिए थे लोग देवीलाल की जो पार्टी थी लोकदल, उसी को मिल गए थे और उन्होंने फिर वहां पर गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। और वहां पर जब इलेक्शंस हुए तो उसमें से कांग्रेस केवल 5 सीट ही जीत पाई थी। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned the newly elected members of legislative assemblies of Lok Dal, choose Devilal as their leader. अब इस दौरान क्या हुआ, जैसे elections के result आए, जो existing chief minister थे उन्होंने इस्तीफा दिया और वहां पर जो newly elected MLAs, जिसको क्या बोलते हैं विधायक MLAs, उन्होंने अपने लोक दल के उन्होंने अपने लीडर किसको चुना, देवीलाल को। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। के बाद गवर्नर के द्वारा कार्रवाई की गई कि आप अब सिंस आपके पार्टी से आपको द हेड ऑफ द लीडर चुना गया है एज एन चीफ मिनिस्टर आपके MLAs ने, तो आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small business. His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. अब हुआ क्या, जैसे उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, चीफ मिनिस्टर जैसे बने, उन्होंने सबसे पहला जो ऑर्डर दिया कि जितने भी छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स है, स्मॉल बिजनेसमैन है, लेबरर्स है, एग्रीकल्चर लेबर्स, उनके जितने भी लोन है उनको माफ कर दिया जाए। उनकी पार्टीज 4 साल तक उन्होंने इलेक्शंस 4 साल तक उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया और जब 1991 में वापस से इलेक्शंस हुए उस समय उनको सपोर्ट नहीं मिला वैसा जैसा इस बार मिला था और इस बार वापस से कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म की। सो द रीजन इज कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। ओके, ये आपने एग्जांपल पढ़ लेंगे किससे डेमोक्रेसी में कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे हर 5 साल के इंटरवल में इलेक्शंस होते हैं। So why there is a need of the election? Election take place regularly in any democratic country. There are more than 100 of countries in the world in which elections take place to choose people representative. We also read that the elections are held in many countries that are not democratic. अब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, जिसमें से ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होती है जहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस होते हैं और ऐसी बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस नहीं होते। लाइक हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो हमने उसमें पाकिस्तान का और चाइना का एग्जाम्पल दिया था जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी किसी अदर पार्टी को इलेक्शन में खड़ा होने ही नहीं देती है ना। तो वहां पे इलेक्शंस तो होते हैं बट लेकिन वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे किसी अदर पार्टीज के लीडर्स को खड़ा होने ही नहीं देती अपने अगेंस्ट, तो वहां पर ऐसे टाइप के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद में जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, जब परवेज मुशर्रफ जब वहां के लीडर थे, तब वहां पर हमने ये चीज देखी थी कि भले ही उनकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, लाइक जैसे हमारी स्टेट असेंबलीज होती है, वेरियस स्टेट्स होते हैं, वहां पर इलेक्शन हो जाए, बट लेकिन स्टिल द पावर लाइज ऑन द हैंड ऑफ द चीफ ऑफ दैट पाकिस्तान। ओके, जिसकी वजह से वो लोग हालांकि इलेक्शंस होते थे, ओके इलेक्शंस होते थे, पर लेकिन जो फाइनल पावर वहां के लीडर के पास है तो स्टेट असेंबलीज में भी वहां की जो गवर्नमेंट जो सेल्फ लीडर जो 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 वहां की जनता अपने स्टेट असेंबलीज में चुनती थी उनके पास इतनी पावर नहीं थी, तो वो भी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं माना जाएगा। ओके, बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। से रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज कम्युनिटी, नॉट इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पर जितने पीपल्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सारे पीपल्स डिसीजन ले, उन सबकी सबकी सोच एक जैसी। हम एक पल के लिए हम सोच ले कि ठीक है हम ये लीडर्स का ये झंझट नहीं रखते हैं, यहाँ पे जो भी जितने भी सारे नागरिक हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, तो ऐसा जरूर। अब इतनी एक देश है कितना बड़ा हो सकता है, तो वहां पर एक मत कोई डिसीजन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। इसीलिए पीपल्स क्या इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करते हैं, पीपल रूल तो करते हैं बट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनके रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ओके, इज देयर एनी डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज एंड एक्सपीरियंस, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज।
देर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग वन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल. ओके, और अगर इन्होंने इसमें आपकी बुक में एक और बोला कि चलिए मान लेते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी एज ज्यादा हो, तो इस बेसिस पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, ये भी गलत है. या फिर हम इस बेसिस पे चुने कि किसी कोई एजुकेटेड पर्सन है हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तो यह यहाँ पर डेमोक्रेसी की जो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे एवरीवन हैज द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, भले वो एजुकेटेड है नहीं है, लड़का है लड़की है, कोई मैटर नहीं करता. पर लेकिन अगर हम यहाँ पे ये रख देते हैं कि हम ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को हम इलेक्ट करेंगे जो कि ज्यादा एजुकेशनिस्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो डेमोक्रेसी का जो वो है सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा. रीजन ये है कि जब एक अनपढ़ इंसान वोट देने के लिए इतना हकदार है तो एक अनपढ़ इंसान इलेक्शंस भी लड़ सकता है. जब उसके पास इतनी समझ है कि उसको कौन सा लीडर चुनना है, उसके पास इतने पावर है, तो उसके पास इतनी समझ भी होगी कि कंट्री मतलब एज ए लीडर उसको कैसे काम करना है. इसीलिए हमारे यहाँ जो ज्यादातर अनएजुकेटेड पर्सन भी इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और वो जीतते भी हैं, एज ए लीडर भी इमर्ज होते हैं. सो इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस. दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. ओके, अब जब इलेक्शन होते हैं तो इन पीपल्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव जो हम आम इंसान होते हैं ये सबसे पहले ऐसे इंसान को चुनते हैं जो कि हमारे लिए लॉज बना सके, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके, हमारे ऊपर गवर्न कर सके. ओके, वो ये चुनते हैं कि जितने मेजर डिसीजन होंगे हमारे स्टेट के, हमारे कंट्री के, ये इस पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होंगे, वो डिसीजन ले सकता है. ओके, वो चूज करते हैं एक ऐसी पार्टी को जिसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट को गाइड करेगी एक अच्छे लॉ मेकिंग के लिए. ओके,